अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के नबी और प्यारे नबी, इनके सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन भारत में भेजा गया था वो मालेगांव दुनिया पर आकर पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस ऑक्सीजन से अब मरीज तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि बताया जाता है और इस्लाम में कहा गया है और ये हक है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का और मदीने की मिट्टी भी आज मरीजों को ठीक कर सकती है। तो इसी मौके पर आज हमारे पास ऑक्सीजन जो है तो सऊदी अरब से आया हुआ है और हमारे भारत में आकर पहुंच चुका है। वो महाराष्ट्र में भी मालेगांव धुलिया इस जगह पहुंच चुका है। इससे जो तो नागरिकों को और यहाँ के मरीजों को हमारे आप बहुत सहूलत मिलेगी और राहत मिलेगी, ऐसा हम उससे उम्मीद करते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, धुलिया शहर महाराष्ट्र में हमारे मोहम्मद के शहर का शिफा बाटला आ गया ऑक्सीजन का। अब इंशाल्लाह सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ये देखो हमारे नासिर भाई सोशल वर्कर क्या बोल रहे हैं। धुलिया सिविल हॉस्पिटल में जो मदीना से निकला है सऊदी अरब से, वो बाटला आ चुका है, आप देख सकते हैं। शहर मालेगांव में हमारे धुलिया शहर में भी आ चुका है, मोहम्मद के शहर में। आज का कितना रोज है? आज का 14 रोज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद के शहर से जो निकला था बाटला, जिसका हम वीडियो पे हर वक्त क्लिप और फोटो देख रहे थे, अल्लाह के एहसान से धुलिया शहर महाराष्ट्र में आज 14वां रोजा है और शिफा का बाटला मोहम्मद के शहर से शिफा मिल रही है ऑक्सीजन की। सिविल हॉस्पिटल में जो सऊदी अरब से बाटला है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं बाटला। हमारे सुल्तान भाई और आबिद भी आए हुए बताया किराया, और हमारा इस प्लांट के ऊपर जो सर्विस दे रहे दिन रात वो हमारे फिरोज भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह वाले मौजूद है भाई। बस सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में मरीजों को ब्लड और प्लाज्मा की कमी हो रही है, इसलिए प्रशासन द्वारा रक्तदान की अपील की गई है। इसी के देखते हुए परभनी शहर स्थित गंगा खेड़ रास्ते के करीब काकड़े नगर में ज्ञान गंगा प्राइमरी स्कूल में तारीख 29 अप्रैल 2021 गुरुवार के रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक इस समय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर संयोजक समिति ने समय का ध्यान रखकर और सामाजिक संबंधों को रखकर शिविर का आयोजन किया है। नागरिकों ने कोरोना के इस विपदा को देखते हुए सभी नियमों का सख्ती से पालन कर रक्तदान शिविर में शामिल रहे, ऐसा आह्वान करते हुए रक्तदान इच्छुकों ने मोबाइल नंबर 70 68 59 11 या फिर 98 23 92 79 13 इस नंबर पर संपर्क करें, ऐसा समिति की ओर से कहा गया है। सरकारी अस्पताल हो या खानगी अस्पताल, यहाँ के जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो खुले पर ना फेंकते हुए उनके इंजेक्शन मेडिसिन ये रास्ते पे या कचरा कुंडी में ना फेंकते हुए इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा जाए और उसे मनपा के हवाले किया जाए या फिर नगर पालिका के हवाले किया जाए, ऐसा शासन की ओर से आदेश है। इसके बावजूद भी शंकर नगर तालुका बिलोली में इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के खानगी डॉक्टर ये पूरे तरह से इंजेक्शन और मेडिसिन को रास्ते पर ही फेंकने से इन फेंके हुए इंजेक्शनों से और दवाइयों से नागरिकों को इन्फेक्शन होने की संभावना दिखाई दे रही है, ऐसा कहते हुए इन पर उचित कार्रवाई करें, ऐसी मांग स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हनुमंत पाटिल वाड़ेकर इन्होंने बिलोले तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी से की है। जिला अध्यक्ष हनुमंत पाटिल वाड़ेकर ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। शंकर नगर येथील प्राइवेट दवाखान्यातील डॉक्टरांनी त्यांच्या दवाखान्यातील मेडिसिन दवाखान्यातील मेडिसिन हे रस्त्यावर उघड्यावर टाकून जो असा प्रकार केलेत, या प्रकाराचा म्हणून निषेध म्हणून मी व्यक्त करतो। आणि आज कोरोनाच्या संकटाच्या महामारीमध्ये डॉक्टरांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे की स्वच्छता बाळगा, सुरक्षित रहा। पण अशाच या घटनेमध्ये शंकरनगर येथील डॉक्टर प्रायव्हेट डॉक्टर मात्र त्यांच्या दवाखान्यामध्ये वापरलेले मेडिसिन इंजेक्शन आणि त्याचे सुया वगैरे असतात आणि स्लाहीन हे उघड्यावर टाकून या शंकरनगर येथील जनतेचे आरोग्य धोक्यात घालत आहेत। तर या संदर्भात मी बिलोली TOCO अधिकारी वाडेकर साहेबांना यांना संपर्क केला असता त्यांनी ताबडतोब प्राथमिक आरोग्य केंद्र रामतीर येथे कळवून कर्मचाऱ्यांना बोलावून आणून पंचनामा केलेत, परंतु 2 दिवस होऊन पंचनामा झालेला असून परंतु यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही। तरी आणि मी TOCO साहेबांना आज संपर्क केला असता तर त्यांनी रामतीर्थ ग्रामपंचायतला सांगून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सांगतो असं सांगितले, परंतु ग्रामपंचायतचा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा आणि किंवा या प्रायव्हेट दवाखान्यातील डॉक्टरांचा कुठलाही काही संबंध येत नाही। तरी डॉक्टरांच्या वतीने असं सांगितलं गेलं तरी माझी एक विनंती आहे की या शंकरनगर येथील व रामतीर्थ धुपा नगरीमधील
जनतेचे आरोग्य धोक्यात घालू नये यासाठी ताबडतोब बिलोली आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब या प्रायव्हेट दवाखान्यातील डॉक्टरांचा त्यांच्यावर वाच ठेवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी मागणी करत आहे। शहर में कम से कम 50 बेड्स वेल्टिनेटर्स के साथ सभी सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोविड सेंटर का निर्माण करें ऐसी मांग निवेदन पाथरी तहसीलदार द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य प्रशासन से जमात इस्लामी हिंद की ओर से की गई है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि पाथरी में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परवनी स्थित कोविड सेंटरों पर बेड्स कम हो रहे हैं, खानगी में इलाज नागरिक नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसा उनके पास नहीं है, इसलिए पाथरी शहर में 50 बेड की सभी सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोविड सेंटर का निर्माण करें ऐसी मांग जमात इस्लामी हिंद के स्थानीय अध्यक्ष सलीम फारूकी पाथरी इन्होंने की है। मधुबनी के जिला सत्र न्यायालय में आज तारीख 27 अप्रैल 2021 मंगलवार के रोज सुबह 10 बजे से टीकाकरण मुहिम का कार्यक्रम लिया गया। इस समय 200 लोगों ने टीका लगाया है। जिले के वकीलों को छूट दी जाए वहां के न्यायालय के कामकाज के लिए ऐसा जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर से निवेदन किया गया था। उसी के तहत जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर इन्होंने कोर्ट के वकीलों को आने जाने के लिए सहूलत रखी हुई थी। इसी के तहत आज परवनी जिला सत्र न्यायालय में जिला न्यायाधीश बांबरडे इनके मार्गदर्शन पर जिला प्राधिकरण इनकी ओर से कोविड-19 की टीकाकरण मुहिम ली गई, जिसमें कोर्ट के सभी जजेस वकील उसी तरह कोर्ट में काम करने वाले वरिष्ठ क्लर्क रजिस्ट्रार बेलीफ अन्य कर्मचारी ऐसे कुल मिलाकर 200 लोगों की कोविड-19 टीकाकरण लगाया गया। इस समय जिला न्यायाधीश बांबरडे और जिला प्राधिकरण के जज शेख और रजिस्ट्रार नगर साड़े वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट चौहान इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। आज दिनांक 27 अप्रैल 2021 हमें वकील संघ व जिला न्यायालय परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने वैक्सीनेशन कॅम्प घेतलेला आहे। या कॅम्पमध्ये सर्व वरिष्ठ व युवा वकिलांना वैक्सीनेशन देण्यात येत आहे। अंदाज आहे की आज 200-300 वकील लोक वैक्सीनेट होतील, यामुळे न्यायालयात काम करण्यास सहाय्य होईल आणि सुलभतेने वकील साहेबांना न्यायालयात आणि समाजामध्ये 27/4/2021 रोजी जिल्हा न्यायालयामध्ये कोविड वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्याच्यामध्ये आज आम्ही 150-200 लोकांचं वॅक्सिनेशन करू आणि आज आम्ही जो कॅम्प आयोजित केलेला आहे त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे। तरी मी सर्व वकिलांचे व जिल्हा न्यायालयाचे जिल्हाधिकारी सेवा प्राधिकरणामार्फत आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। परभणी जिल्हा वकील संघ जिल्हा न्यायाधीश परभणी दालसा यांच्यामार्फत कोविड लसीकरणाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यामध्ये वकील मंडळींना कोविड लसीचं लसीकरण होणार आहे, त्याकरिता आयुक्त साहेबांनी ही लस आयोजित केलेली आहे आणि सर्व वकील मंडळी या लसचा फायदा घेत आहे। 2021 रोजी परभणी जिल्हा न्यायालयाच्या सांस्कृतिक सभागृहामध्ये कोविड या संसर्गजन्य आजारावर लसीकरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। या कार्यक्रमामध्ये हा कार्यक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व वकील संघ परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महानगरपालिका यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये जवळपास 200 लोकांना लस देण्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। जवळपास 11 वाजले असतानाच जवळपास निम्म टार्गेट हे अचीव झालेलं आहे। या कार्यक्रमाच्या संपूर्ण मार्गदर्शन भांबर्डे साहेब जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचं आम्हाला लाभलेलं आहे। एक प्रभारी प्रबंधक या नात्यानं कार्यक्रम हा पूर्ण यशस्वी मार्गाकडे चाललेला आहे आणि सर्व लोक याचा फायदा घेत आहे।
परभणी शहर एवं जिले में सांसद निधि द्वारा 3 एम्बुलेंस होंगे दाखिल। परभणी शहर एवं जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते माहौल को देखते हुए परभणी जिले के सांसद संजय यादव इन्होंने खुद के स्थानीय विकास निधि से उपलब्ध किए हुए करतूत के तहत सभी सुविधाओं से जुड़े एम्बुलेंस जल्द ही मरीजों के लिए सेवा में दाखिल होंगे। सांसद यादव इन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले ही यहां के जिला अस्पताल में कार्डियक एम्बुलेंस जो उपलब्ध कराई थी, इसी के कारण आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अन्य जगहों पर ले जाने के लिए बड़ी सुविधाओं हो रही है। अब आने वाले दिन 3 एम्बुलेंस से जिले के और जिला अस्पताल को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहां के प्राइवेट एम्बुलेंस वाले संस्थाओं के नाम पर एम्बुलेंस तो चला रहे हैं, लेकिन ड्राइवर और डीजल पेट्रोल के नाम पर मरीजों के परिजनों को आर्थिक लूट करते नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए यहां के कई लोगों ने इस बारे में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जिला अस्पताल को जो तो सांसद यादव इनके निधि से उपलब्ध होने वाले इन 3 एम्बुलेंसों से यहां के जिलावासियों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।